अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.7 के क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले सवाल देखें, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है। तो देखिए, एक्स स्क्वायर ये प्लस का जो बाद जाके माइनस का 12x इक्वल टू -3, ठीक है। इसको अरेंज करके हमने लिख लिया स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अब देखें, फर्स्ट इसको हम 6 स्टेप फॉलो करना है। इसमें पहले स्टेप में हमें ये करना था कि अभी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिखना है, और सेकंड स्टेप में हम एक्स स्क्वायर का जो कोफिशेंट होगा वो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के अलावा 2, 3 होगा तो हम उसको पूरी क्वेश्चन से डिवाइड करवाएंगे। अभी यहाँ पे देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 1 है तो ये डिवाइड नहीं होगा। और थर्ड स्टेप में हमारा ये था कि शिफ्ट कॉन्स्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। अब देखिए, राइट हैंड साइड में ये प्लस का 3 था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के बाद जाके माइनस का 3 हो गया। अब फोर्थ स्टेप में हमें ये करना था कि एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, 1/2 मल्टीप्लाई -12 और उसी का होल स्क्वायर लेंगे। देखिए, -12 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 2 का स्क्वायर 4। 144 ओवर 4 को हमने इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करवाना है। एक्स स्क्वायर -12x प्लस 144 ओवर 4 इज इक्वल टू -3 प्लस 144 ओवर 4। अब दोनों तरफ हमने ऐड करवा दिया। अब फिफ्थ स्टेप में हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर के फॉर्म में करना है, कन्वर्ट करना है। तो देखें, ज्यूम करें, एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस का साइन है, -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, ए हमारा एक्स है तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और b हमारा 144 ओवर 4 को हमने स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 144 का स्क्वायर क्या होता है, 12, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 2। तो ये x हो गया 12 ओवर 2, ठीक है। और राइट हैंड साइड को हमें सिंप्लीफाई करना है, -3 ओवर प्लस 144 ओवर 4। देखें, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, ठीक है। अब देखें, इसको स्क्वायर में बन करते हैं हम, तो ये बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, 1 4 1 से डिवाइड होगा तो 4, और 3 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, -12 प्लस 144, ऐसी रहा, 4 4 डिवाइड होगा 1, 1 ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 144, ठीक है। अब x -12 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस -144 -12, तो हमारा आएगा 132, बड़े वैल्यू के साथ प्लस का साइन है तो 132 अपॉन 4। अब हम लास्ट स्टेप में ये करना था कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ रूट अप्लाई करते हैं। और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस लगाते रूट से पहले, 132 अपॉन 4, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स -12 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 132, रूट का रूट नहीं होता है, 132 रूट के अंदर रहेगा, और 4 का रूट क्या होता है, 2, ठीक है। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स ये माइनस का 12 अपॉन 2 है, इक्वल टू के बाद जाके प्लस का हो जाएगा, 12 अपॉन 2 प्लस माइनस 132 अपॉन 2। अब x को एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 2
प्लस 132.2 कॉमा एक्स इज इक्वल टू 12.2 माइनस 132.2। अब एक्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए 2 एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 12 प्लस √132। और माइनस वैल्यू को भी करते हैं, 2 एलसीएम आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 12 माइनस 132। एक्स की 2 वैल्यू आ गई। अब सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, 12 प्लस √132.2 कॉमा 12 माइनस √132 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा ये 3x² - 5x + 2 = 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले सॉल्यूशन, 3x² - 5x + 2 = 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखा गया। अब सेकंड हमें ये देख रहे हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे 3 है, तो इस इक्वेशन को पूरी 3 से डिवाइड करवा देंगे, 3। अब 3 से 3 कैंसिल, x² - 5x / 3 + 2/3 = 0। और थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, x² - 5x / 3, अब ये प्लस का 2/3 है, राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ स्टेप में हमें ये करना है कि एक्स का जो कोफिशिएंट है हमारा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 1/2 × -5/3² भी लेना है फिर, ठीक है। अब देखिए -5 × 5, 3 × 6, 5² = 25, 6² = 36, ये हमारा 25 और 6 आ गया। इसको इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करवाते हैं, -5x/3 + 25/36 = -2/3 + 25/36, दोनों तरफ ऐड हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड को फिफ्थ स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ये एज्यूम करते हैं x² - 2ab + b² ए हमारा एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और बी हमारा, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, 5/6x / 5/6। अब राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करवाते हैं, थर्टी सिक्स एलसीएम आ गया, नीचे वाले से डिवाइड करवाएंगे तो 36 को 3 से डिवाइड करवाएंगे तो 12 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, -24, ठीक है। अब प्लस 36 डिवाइड होगा 1, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 25। अब इसको हमने स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, स्क्वायर में बंद करना है, a² - 2ab + b², तो ये a - b² बन रहा है, ठीक है। अब इसको माइनस प्लस माइनस करेंगे तो बड़े वैल्यू के साथ 25 - 24 बड़े वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, तो 1/36, ठीक है।
अब हमें लास्ट में टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करना था, रूट ऑन बोथ साइड। एक्स माइनस फाइव ओवर सिक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वन अपॉन 36। ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, एक्स माइनस फाइव ओवर सिक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन का रूट वन, 36 का रूट सिक्स। अब इसे 10 सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू हमें निकालनी, एक्स ये माइनस का फाइव ओवर सिक्स इज इक्वल टू के बाद जाके प्लस का फाइव ओवर सिक्स हो जाएगा, फाइव ओवर सिक्स प्लस माइनस ऐसी तो रहा वन अपन सिक्स भी ऐसी। अब एक दफ़ा एक्स की वैल्यू प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस, फाइव ओवर सिक्स प्लस वन अपन सिक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू फाइव ओवर सिक्स माइनस वन अपन सिक्स। अब देखें सिक्स एलसीएम आ रहा है तो सिक्स एलसीएम आ गया, सिक्स से कैंसिल, फाइव प्लस वन कॉमा एक्स इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड एलसीएम आ गया, सिक्स सिक्स कैंसिल, फाइव सिक्स सिक्स कैंसिल माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू फाइव प्लस वन सिक्स डिवाइडेड बाई सिक्स कॉमा एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर अपॉन सिक्स, सिक्स सिक्स कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की एक वैल्यू वन आ गई, एक्स की टू टू ज़ा फोर, टू थ्री ज़ा सिक्स, एक्स की दूसरी वैल्यू आ गई टू ओवर थ्री। अब इसी का सॉल्यूशन सेट बनाते हैं। सॉल्यूशन सेट वन कॉमा टू अपॉन थ्री, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नाइन में सबसे पहले सॉल्यूशन, अब इसे सिंपलीफाई करवाते हैं, हम ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करवाते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, तो एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस थ्री एक्स, अब ये प्लस टू एक्स प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस सिक्स, अब ये प्लस का एक्स है इक्वल टू से पहले आएगा माइनस, ये माइनस का थ्री इक्वल टू से पहले आएगा प्लस का थ्री इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब उसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर ऐसी था, देखिए माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू एक्स, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, माइनस का एक्स हो जाएगा और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस टू एक्स। अब देखिए माइनस का थ्री एक्स प्लस का थ्री है, माइनस का सिक्स प्लस का थ्री, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, तो थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हमें क्या करना था, थर्ड में शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड। एक्स स्क्वायर ऐसी रहा माइनस टू एक्स, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये थ्री हो जाएगा। अब फोर्थ स्टेप में हमें ये करना था कि वन अपॉइंट टू को एक्स का जो कोफिशन होगा उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वन अपॉइंट टू मल्टीप्लाई माइनस टू का उसी का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि माइनस टू अपॉइंट टू का होल स्क्वायर, ये वन से वन कैंसिल होगा, वन बचा, माइनस वन का स्क्वायर वन होता है, ठीक है। अब दोनों तरफ ऐड करवाते हैं इसको सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, ठीक है, दोनों तरफ ऐड हो गया। फिफ्थ स्टेप में हमें ये करना है कि लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर का फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये ज्यूम करें ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है तो थ्री प्लस वन फोर, ए हमारा एक्स है बी हमारा वन है तो एक्स अपॉन वन। अब इसको स्क्वायर में वन करते हैं, ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाइए और ये फोर ऐसी उतरा, ठीक है। अब हमें स्क्वायर रूट लेना है,
taking root on both sides, अब हमें दोनों तरफ root apply करना है, root x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। अब देखें प्लस माइनस ऐसे ही रहा, फोर का रूट क्या होता है टू, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, एक्स माइनस वन एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस कह देगा टू बाहर जाएगा प्लस, प्लस माइनस टू। अब एक दफ़ा प्लस में लिखते एक दफ़ा माइनस, एक्स इज इक्वल टू वन प्लस टू कॉमा एक्स इज इक्वल टू वन माइनस टू, एक्स इज इक्वल टू थ्री हो गया, ये एक एक्स की वैल्यू थ्री आ गई, एक एक्स की वैल्यू प्लस माइनस माइनस वन आ गई, एक्स एक्स इजिकल टू माइनस वन, एक्स इजिकल टू माइनस वन। सॉल्यूशन सेट बनाते हैं इसका, सॉल्यूशन सेट थ्री कॉमा माइनस वन, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्यूशन देखें, सवाल की दफ़ा तो आते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटी माइनस सिक्सटी वन इज इक्वल टू ज़ीरो, सवाल की दफ़ा तो आते हैं, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सवाल जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर लिखा हुआ है। अब सेकंड स्टेप में हमें ये करना है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो हमारा वन से बड़ा होना चाहिए, अब यहाँ पर वन है तो ये क्वेश्चन डिवाइड नहीं हो सकता। और थर्ड स्टेप में शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट हैंड साइड, अब कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, 60 इधर x होगा, 60x ये माइनस का 61 इज इक्वल टू बाहर जाके प्लस का 61 हो गया। देखिए कांस्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड हमने शिफ्ट कर दिया, और फोर्थ टर्म हमारा क्या है, x का जो कोफिशिएंट है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 1/2 मल्टीप्लाई एक्स का कोफिशिएंट क्या है 60, और इसी का होल स्क्वायर लेंगे तो 60 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 2 2 3 6, 30 का स्क्वायर क्या होगा 900। अब ये 900 को इक्वेशन के दोनों साइड ऐड करवाते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 इज इक्वल टू 61 प्लस 900। अब फिफ्थ स्टेप में हमें लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर का फॉर्म लिखना है, तो ये ज्यूम करें एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है 900 प्लस 61, तो 961 हो गया, और ये हमारा क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर, और 900 का रूट्स वो स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 30, ठीक है 30, ये हमारा एक्स अपॉन 30 हो गया, ठीक है। अब इसको स्क्वायर में बंद करते हैं हम, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 961, ठीक है। अब हमें रूट अप्लाई करना है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, सिंपल रूट अप्लाई करते हैं इस दोनों के ऊपर, दोनों साइड रूट एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 961, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू प्लस माइनस 961 का रूट क्या होता है, 961 का जो रूट होगा हमारा, 961 का रूट जो है हमारा 31 होता है, 31 आ गया। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x ऐसे रहा इज इक्वल टू ये प्लस का रूट के बाद जाके माइनस का 30 प्लस माइनस 31। अब एक दफ़ा x की वैल्यू प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस, प्लस 31 कॉमा एक्स
इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 31, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 31, तो 1 आ जाएगा हमारा ये, ठीक है। और ये इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 61, सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, 1, -61 ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले सॉल्यूशन देखें, ये जो सवाल है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x-48 इज इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और सेकंड स्टेप में हम ये देखना है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 से बड़ा होना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 2 है, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवाते हैं, प्लस 10x/2 40x/2 इज इक्वल टू 0। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, 24 आ गया। अब से लिख लेते हैं, क्या बच गया हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x-24 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड स्टेप में हमें ये करना है कि कांस्टेंट नंबर को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस का है इक्वल टू के बाद जाके राइट हैंड साइड प्लस का 24, ये हमारा कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया। अब फोर्थ स्टेप में 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना है x के कोफिशेंट से, तो 1/2 × 5 और इसी का होल स्क्वायर ले लेंगे, तो 5 ओवर 2 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 और 4 को ऐड करवाते दोनों साइड, 5x+25/4 इज इक्वल टू 24+25/4। अब फिफ्थ स्टेप में हमें लेफ्ट हैंड साइड को स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, तो ए स्क्वायर प्लस का निशान है प्लस 2ab+b² और राइट हैंड साइड को शिफ्ट करना है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो 1 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 चले डिवाइड होगा, तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 4 नीचे वाले से डिवाइड होगा 1 से, तो 4 24 से मल्टीप्लाई होगा तो 96 प्लस 4 फिर डिवाइड होगा तो 1 और 25, ऐसे उतरिए। ए हमारा एक्स है, बी हमारा इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो 5 ओवर 2, यहाँ पे भी 5 ओवर 2, ठीक है। अब इसको स्क्वायर में बंद करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, ए प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 96+25, 121/4। अब रूट ऑन बोथ साइड, रूट अप्लाई करते दोनों साइड, रूट एक्स प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में रूट से पहले प्लस माइनस, 121/4, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, एक्स प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 121 का रूट क्या होता है, 121 का रूट 11/4, ठीक है। अब एक दफ़ x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x इज इक्वल टू प्लस का इक्वल टू बाद जाएगा माइनस का 5/2 प्लस माइनस 11/4। अब एक दफ़ा x को प्लस में, एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे, देखिए x इज इक्वल टू माइनस 5/2 प्लस 11/4 कॉमा x इज इक्वल टू माइनस 5/2 - 11/4, एक्स इज इक्वल टू, देखिए 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो
क्या आएगा हमारे पास, 4। वो एलसीएम आ गया, 4 2 से डिवाइड होगा तो 2, 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, प्लस 4 नीचे वाले से डिवाइड होगा तो 1, 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 11। एक्स इज इक्वल टू 2 और 4 का एलसीएम 4 आया, नीचे वाले से डिवाइड होगा तो 2, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 10, माइनस 11। अब ये हमारा एक्स माइनस प्लस माइनस 1/4 कॉमा एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस माइनस 21/4। एक्स की दो वैल्यू आ गई। अब इसका सॉल्यूशन सेट बनाते हैं, 1/4 कॉमा माइनस 21/4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। और इसका इसी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, वो आप लोगों का होमवर्क है, घर में ट्राई करिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मैं उसका जल्द से जल्द आंसर अपलोड कर दूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस आसानी से समझ आ गए होंगे, और नहायत ही ईजी स्टेप से मैंने समझाया। तो काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। शुक्रिया।